पूजा जी और डिजाइनिंग को देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए चाय लेके चला। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। पापा जी, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, सिर्फ मैं आपको अगर आपको मुझको जरा समय हो सकता क्या रिश्ता था? क्या तमाशा है? तमाशा? और जो आपने किया वो क्या है, उसे क्या कहेंगे आप? सर अभी शर्म नहीं है आपको? क्या सुनो, अपने पापा की प्रेम कहानी उन्हीं की जुबानी उस औरत के साथ मेरी जिंदगी को और बर्बाद करने के लिए यही सब तो रह गया था। एक बार नहीं शबा, मैं जानता तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। उस औरत पे तरस खा के तुम उसे इस घर में लेकर आई थी, तब तुम नहीं जानती थी मेरे पापा के इस रंगीन अतीत के बारे में। पर अब तो तुमने सुन लिया ना उन्हीं के मुंह से, अब सुनने और समझने को रह क्या गया है? जान चुकी हो ना मेरे पापा के अतीत के बारे में? तुम बोलो तो बस, आज अभी इसी वक्त बिना कोई सवाल जवाब किए उठा के बाप फेंको उस औरत को जिसने मेरी मां को दुख पहुंचाया है। उनकी हालत बहुत खराब है, दिमाग खराब हो गया क्या? वो औरत जिसने मेरी माँ को जन्म रुलाया
तुम उसे इस घर में रखने की बात कर रही हो। मैं आपकी बात समझती हूँ। इन लोगों की अच्छाई करते करते ना हमने जिंदगी में बार बार धोखे खाए। तुम नहीं समझी तो ठीक है, तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकालूंगा। उससे अपनी माँ के घर से मैं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा सौरभ तुम्हें घर में। अब बर्बाद करके रख दिया हमारी जिंदगी को, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? चिल्लाई जा रही हो तो निकालूंगा उसे घर से बाहर में।